हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के थोड़ा में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर टेक्नो मोबाइल के होम स्क्रीन पर कोई भी ऐप आइकन शो नहीं कर रहा है, ऐप यहां पर नहीं दिखा रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को 100% सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है। मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आपके फ़ोन में हो सकता है सर्च बार मिले, तो इस पर क्लिक करके आपको लिखना है ऐप। जैसे ही आप ऐप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट नाम की सेटिंग मिल जाएगी। नीचे ऊपर आप चेक कर लेना जहाँ पर आपके सभी ऐप रहते हैं। तो आप इनमें से किसी पे क्लिक करके चेक करना जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं, वहाँ पर आपको जाना है। जैसे कि मैं ऐप लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सभी एप्लीकेशन हमारे शो हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपके फ़ोन में सर्च वाला ऑप्शन नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको देखिए मोबाइल के सेटिंग में आना है। फिर आपको आ जाना है थोड़ा नीचे और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर नाम की सेटिंग मिल जाएगी, या ऐप्स नाम की जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट पे, अब यहाँ पर सभी ऐप तो शो हो रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद ऊपर की साइड दो या थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा या सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, शो सिस्टम पे क्लिक कर देना है। हो सकता है आपका फ़ोन कोई दूसरा हो तो आप बार भी कर सकते हैं, बार से भी होता है। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए सर्च बार में क्लिक करके लिखना है सिस्टम लॉन्चर। यहाँ पर स्पेलिंग आप देख सकते हैं सिस्टम लॉन्चर, आपको सिस्टम लॉन्चर पे क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा इस पर। फिर आपको यहाँ से क्लियर कैच और क्लियर डेटा, फिर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर देते हैं, देखिए यहाँ पर ओके कर देना है, फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इस प्रकार बैक आना है। अब गाइस क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर शो सिस्टम वाला ऐप यहाँ से शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं अगर आपका कोई दूसरा फ़ोन होगा तो। अब आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पर आना है और अब मोबाइल के पावर बटन को प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। तो यहाँ पर रीस्टार्ट या रिबूट का ऑप्शन मिल जाएगा, अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर लेना है। और गाइस, जैसे आप इतना कर लेते हैं वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए 100%, और इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।